भाई लो फाइनली जिस चीज का वेट था वो फाइनली आ चुका है। कल शाम को आया ये वाला एंड अनबॉक्सिंग करके हम लोग ने इसको सेटअप ही कर दिया था। भाई लो ये कवर देखो क्या सही कवर है एंड इसके अंदर हमारी बीस्ट ये रही कावासाकी Z900 जो एकदम डस्ट में भरी हुई है, लेकिन आज इसको क्लीन करा देंगे। हालत देख रहे हो भाई क्या हाल हो रखा है। आज इसको क्लीन करा देंगे एंड क्लीन करा के इसमें रख देंगे तो वो एकदम क्लीन ही रहेगी। फिर और कोई डस्ट का टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, फुल कवर्ड है एकदम एकदम इसका पर्सनल होम जैसा है। पहले इसको बनाने के लिए हम लोग कितना घंटा लगा पता है? हम लोग अनबॉक्सिंग के लिए कितना देर लगा भाई? अनबॉक्सिंग के लिए हम लोग को 1 घंटा लगा, सेटअप करने के लिए 40-45 मिनट्स लगा। बहुत डिफिकल्ट था, मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं लेकिन वो हर चीज़ प्लास्टिक रैप में होके आया था एंड प्लास्टिक रैप निकालते निकालते 1 घंटा चला गया। एंड तो ये बहुत हैवी है, इसको ना आप ऐसे करोगे तो मूव नहीं होगा। एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, चाहो तो मूव कर सकते हो। थोड़ा हैवी है, कितना 20-30 kg का होगा टोटल, 20-30 kg का है तो चाहो तो मूव कर सकते हो, लेकिन एक बार कहीं सेट कर दिया तो सेट हो गया, वो हिलने का नहीं है। एंड उसके बाद इसका सेटअप करने के लिए फिर हम लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखनी पड़ेगी कैसे क्या सेटअप हुआ, क्योंकि जैसे रॉड जाता है ना उसको देख के समझ ही नहीं आता है कि सेटअप कैसे होगा, लेकिन फाइनली हो गया। एंड आने के टाइम ट्रांजिट में इसके अंदर क्या पाइप्स लगी हुई है तो एक दो पाइप्स हल्की सी बेंड हो गई, तो दो पाइप जो एक के अंदर एक जाती है वो गई नहीं। फिर अंदर से प्लास लेके आए हम लोग, उसको एकदम सही वही किए, उसके बाद जाके फाइनली सेटअप हो गया। लेकिन सेटअप होने के बाद चीज़ बड़ी सही लग रही है, मैंने अंदर से क्या लग रहा है देखो यार, एकदम से पूरा फुल वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ। एंड इसके अंदर देखो 900 तो एकदम आराम से रखा हुआ है, एंड इसके अंदर अगर 900 स्टार्ट होगी और इसको अगर क्लोज कर दिए तो अंदर खाली घू 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 करके होगा। एंड इसमें एक और सही चीज़ है, सपोज हम लोग राइट से आए एंड राइट से आते अब तो इसके अंदर ही रहेगी बाइक, एंड राइट से आने के टाइम क्या बाइक गर्म रहती है, तो इसमें एक सही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ नीचे वेंटिलेशन के लिए थोड़ा ओपन स्पेस है तो इसको हम लोग अभी खोल के रखे हैं, तो यहाँ से भी एयर पास हो सकती है। इसको अगर क्लोज कर देंगे तो एयर पास नहीं होगा तो वो फुल डस्ट प्रूफ वो सब हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए जब हम लोग जाके आएंगे तो उसको ओपन करके छोड़ देंगे ताकि बाइक एक बार ठंडी हो जाए, फिर पूरा सील कर दो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर अंदर, देखते हैं क्या साउंड आता है। अब ये मचाएगा इसके अंदर। ऑन 1 2 3 स्टार्ट स्टार्ट बाय बाय भाई, किसके अंदर है भाई, कोल्ड स्टार्ट हो रही है। लेकिन अंदर स्मेल हो गया है बहुत, ध्यान दे आराम से, बहुत स्पेस है, घुमा 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 हैंडल घुमा पीछे, बस 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 टुंग 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 सामने, बस पीछे 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 टुंग 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 बस 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 बेड डाल के। हाँ हम लोग यहाँ साइक्लोन तो आता ही रहता है, तो जब साइक्लोन आएगा लाइन नहीं रहेगा तब इसके अंदर बेड डाल के सो जाओ ओपन करके। आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, इतना धूल, कोई नहीं अब तो आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। कल ये हम लोग को इसको कवर लगाने में कितना प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि एकदम टाइट कवर है ना, एंड इसके अंदर की साइड में ये बेस पूरा रेड कलर का, हम लोग को लगा रेड कलर ऊपर रहेगा, फिर देखे अरे कवर तो उल्टा है। हाँ अच्छा क्वालिटी का है ये, मैं कब ऑर्डर किया था 25 मार्च, आज कितना तारीख है 16-17। ओ माय गॉड इतना गर्मी हो रहा है, ऊपर से ये जैकेट और ग्लव्स पहना है, ये एक्चुअली क्यों पहना गया मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आज मैं बिना जैकेट और ग्लव्स के निकलने वाला था लेकिन किंतु परंतु पहना गया है, इसका एक रीज़न है। एंड वैसे आज हमारे भुवनेश्वर में नाइट कर्फ्यू लगेगा, भुवनेश्वर में क्या भुवनेश्वर कटक मैंने पूरे उड़ीसा में हर ही जगह नाइट कर्फ्यू लगेगा रात 9 बजे से, बाप रे बाप, तो नाइट राइड्स तो ख़त्म, अब नाइट राइड्स नहीं हो सकती। मैं आपको बीच में बोल ही रहा था कि कभी ना कभी नाइट कर्फ्यू लगा ही देगा क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, एंड नाइट कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन चलो अच्छा है 9 बजे से लगाया है तो बिजनेस वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बताता हूँ मैं आज जैकेट एंड ग्लव्स क्यों पहन के आया, आज हम लोग को एक अधूरी रील पूरी करनी है, तो रील का जो फर्स्ट पार्ट है वो शूट हो चुका है एंड रील का जो सेकेंड पार्ट है वो आज शूट होगा, एंड शायद से आज ही मैं उसको अपलोड भी कर दूँ एडिट करके। एंड आप लोग को अगर रील देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि
स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा होगा, एंड तो फटाफट से जाओ एंड फॉलो कर लो। एंड वो बढ़िया वाली रील, पता नहीं जब तक वीडियो आएगा पता नहीं रील आ भी सकती नहीं भी आ सकती, लेकिन उसको छोड़ के और भी बहुत सारे रील्स है, तो जाके देखो फॉलो करो। हेलो, बाइक को डाल देते हैं वापस शेल्टर के अंदर। यस, गर्मी इतनी है, बाइक की जो एलईडी है ना उसका भी फैन ऑन हो गया है। चलो फर्स्ट टाइम शेल्टर के अंदर लेके जाते हुए। यस भाई, फर्स्ट टाइम है, इसके पहले मैंने रुद्रा लेके गया था अंदर। इसको थोड़ा राइट करके रखेंगे ताकि स्टैंड मारने के टाइम प्रॉब्लम ना है। चलो स्टैंड भी मार दिया। अरे अरे, हेलमेट लगा सर के ऊपर। ओहो, पाइप से परफेक्ट। इसको 10 मिनट खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। तो भाई लोग, चलो आज का फाइनली ये जो डेन का काम था ये तो कल खत्म ही हो गया था, लेकिन चलो अच्छा है कि ये आ गया, सेटअप हो गया, एंड अभी बाइक के लिए एक अच्छा शेल्टर हो गया है। वैसे आप लोग को आज का वीडियो है ना थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि आज मैं इसको नॉर्मली जैसे Adobe Premiere Pro में एडिट करता हूँ उसमें एडिट नहीं किया हूँ, तो अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं हो रहा कंप्यूटर ऑन करने का, तो कैसे कैसे करके इसको मैं अपने फ़ोन में ही एडिट कर रहा हूँ एंड फ़ोन से ही अपलोड कर रहा हूँ। तो इस बार के लिए एडजस्ट कर लो, बस नेक्स्ट वाले ब्लॉग से फिर वापस एकदम बढ़िया से आएगा। तो चलो भाई लोग, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड, नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।